अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। और क्या हो रहा है आप लोगों के घर में। वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स ऑल अबाउट लाइफ विद निक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इफ़ यू आर माय सब्सक्राइबर देन यू आर माय फैमिली, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है जी, नाम आपको पता है, इट्स ऑल अबाउट लाइफ विद निक। और माशाल्लाह माशाल्लाह आज हम आए थे बर्थडे में। बर्थडे किसकी थी ये आपको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी। थोड़ा ऐसे सरप्राइज रहने देते हैं कि बर्थडे किसकी थी, हम क्यों आए थे और क्या हो रहा था। यहाँ पे बर्थडे का सेटअप लगा हुआ था बड़ा प्यारा सा, और जो है वो यहाँ मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूँ ये कौन सी जगह है। लोकेशन तो बताऊँ ना पहले आपको जी। तो ये था जी हवेली, हैदराबाद हवेली रेस्टोरेंट, और ये मेन ऑटोबान पे बना हुआ है। तो जी बर्थडे गर्ल भी आ गई है यहाँ पे। आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि किसी लड़की की बर्थडे है। ठीक है जी, और पहले मैं आपको इनका मेन्यू दिखा देती हूँ। उनके मेन्यू में है स्टार्टर्स, सूप, सैलड्स, रायता एंड बारबेक्यू, हवेली स्पेशल देसी चाइनीज़ एंड सो ऑन, राइस, चिकन कढ़ाई, और जो है इनकी बीफ कढ़ाई, मटन कढ़ाई, सब्जी, और हवेली की स्पेशल हांडी भी थी। ठीक है, और उसके बाद जो है वो वाटर ड्रिंक, तंदूर वगैरह, जो भी डेजर्ट वगैरह एंड में। ठीक है, तो बेसिकली जो है वो टेस्ट जो था हमें करनी थी वो कढ़ाई टेस्ट करनी थी, और जो इनके चाइनीज़ राइस थे वो भी टेस्ट करने थे, क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चों की वजह से राइस जो है वो थोड़े से सूटेबल रहते हैं। बहुत सारे बच्चे लाइक करते हैं राइस को, और यहाँ मेरे जो हस्बैंड हैं वो इन्जॉय कर रहे हैं। तो अब मैं आपको रिवील कर देती हूँ कि बर्थडे किसकी है। अच्छा, तो यहाँ बर्थडे है मेरी सिस्टर की, और मुझसे दूसरे नंबर पर हैं वो, यानी मैं फ़र्स्ट हूँ, वो मेरे बाद हैं, सेकेंड है। और यहाँ पर जो है वो हम खूब सारा इन्जॉय कर रहे थे माशाल्लाह से। इस वक्त रात के तकरीबन 9 बज रहे थे, और इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा था, क्योंकि रातें वैसे भी हैदराबाद की बहुत अच्छी होती हैं। बहुत मतलब हवा चल रही होती है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। और ये मैं बजाते खुद जो है वो अपने नेल कलर मेरा फेवरेट था, तो मैं उसको सिर्फ चेक कर रही थी कि यार ये कैसा लग रहा है ना, और मुझे बड़ा ही खूबसूरत लगता है। ये सैंडी कलर्स जो होते हैं ना वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ हम जो है वो ऑर्डर अपना प्लेस कर चुके थे। उसके बाद जो है वो थोड़ा सा टाइम जो है हम आपस में बातें वगैरह कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था माशाल्लाह माशाल्लाह। और अल्लाह ताला तमाम खुशियों को नज़रबद से दूर रखे, हमेशा जो है वो हंसता मुस्कुराता रखे। और ये पार्टी जो थी मेरे फादर ने थ्रो की थी, और जो है वो उनकी तरफ से ये पार्टी दी गई थी हम लोगों को। मैं मेरी फैमिली जो थे वो एज अ गेस्ट इनवाइटेड थे। गेस्ट वाली वैसे कोई बात ही होती क्योंकि हम वी आर फैमिली, तो फैमिली में आपको पता है कि गेस्ट वाली इनविटेशन नहीं होती है। लेकिन जो था वो आपको पता है कि दामादों को थोड़ी वो करना पड़ती है कि रिस्पेक्ट के लिहाज से उन्हें बोलना पड़ता है कि भाई आज आपकी जो है वो पार्टी है और आपने वहाँ पर मौजूद रहना। और यहाँ इनकी लाइव कुकिंग हो रही थी, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा, इतना एक्सपर्टीज़ थी इतनी, क्योंकि एक तो वीकेंड था और वीकेंड पे आपको पता है कि ऑलरेडी थोड़ा सा रश होता है, ज़्यादा जो है वो पब्लिक होती है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह लोगों के हाथ इतने तेज़ी से ना चल रहे होते हैं, हर वो कहते हैं ना जिसका काम उसको साजे, तो वाकई मतलब आप देखें कि इतने सारे ऑर्डर्स को ऑन टाइम जो है वो देना कोई आसान बात नहीं होती। लोकेशन चेक की जाए तो लोकेशन बहुत अच्छी है, व्यू बहुत अच्छा है, आप व्यू चेक करें, ओवरऑल व्यू बहुत खूबसूरत है, लाइटिंग बहुत अच्छी थी, और जो था वो ऑल ओवर मतलब अगर देखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त था। बहुत इन्जॉय किया माशाल्लाह से हम लोगों ने, पूरी फैमिली ने। और यहाँ जो है किड्स जो है वो अपनी राइड्स इन्जॉय कर रहे थे। एक सिर्फ चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी वो जो ये है कि किड्स एरिया जो ये इन लोगों ने बनाया हुआ है, यहाँ पर भी टिकट था, और इवन मतलब कोई 50-100 नहीं, 150 की एक राइड थी, कोई 200 की एक राइड थी। तो ये भी जो है ना वो इनकम सोर्स ऑफ इनकम में आता है एज अ मार्केटिंग, मतलब एज अ बीबीए स्टूडेंट अगर मैं देखूँ तो ये जो है ना एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है कि आपने अपनी सोर्स ऑफ इनकम जो है ना किस तरीके से अट्रैक्ट करके बढ़ानी है। बहरहाल यहाँ आप देखें कि किस तरीके से उनका हाथ तेज़ी के साथ चल रहा है, जो भी उनके शेफ़ थे
और यहाँ मैं उन्हीं को फोकस करने की कोशिश कर रही थी बार बार, क्योंकि आगे तो काफ़ी थोड़ा सा हीट था और बच्चों के साथ हम आगे नहीं जा सकते थे, क्योंकि वो आपको पता है ना, थोड़ा सा ख्याल भी रखना पड़ता है कि बच्चे साथ होते हैं तो। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह ओवरऑल इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, मतलब एक वाकई हवेली वाला जो है ना वो इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया था। और यहाँ देखें माशाल्लाह हमारा ऑर्डर आ चुका है, और जो है वो अगर मैं आपको फूड का जो है वो टेस्ट वाइज बताऊँ तो टेस्ट वाज गुड, कढ़ाई का टेस्ट बहुत अच्छा था, ग्रेवी थी, मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ड्राई के आप रोटी के साथ कुछ खा ना सको। चिकन फ्राइड राइस जो थे वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, क्योंकि मैं वो ख़ुद बहुत अच्छे बनाती हूँ। तो घर आने के बाद हम यही डिस्कस कर रहे थे कि यार वो चिकन फ्राइड राइस जो थे वो इतने मज़े के नहीं थे, क्योंकि हर चीज़ को अच्छा 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 बोलना ना वो मतलब जो चीज़ जैसी है ना बंदा उसको वैसा बता दे। अब यह ज़रूरी नहीं है कि हम गए तो बस सारी चीज़ें अच्छी ही हो जाएंगी, जो चीज़ जिस जगह की अच्छी है वो मैं आपको बता देती हूँ, जो चीज़ अच्छी नहीं है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। रायता अच्छा था, उसमें दोनों किस्म की जो कढ़ाई थी वो अच्छी थी, और जो है वो इन्वायरमेंट बहरहाल बहुत अच्छा था, नो डाउट कि इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था। और एक कढ़ाई तो मैंने आपको दिखा दी, एक दिखाना ही मैं आपको भूल गई। और जो नान थे वो भी काफ़ी सॉफ्ट थे और अच्छे थे, मतलब ड्राई नहीं थे, या मतलब खाना फूड जो था वो टोटल यमी था, मज़े का था, गरम गरम सर्व किया गया था। और जो है वो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोल्ड ड्रिंक के बगैर तो खाना हज़म ही नहीं होता ना पाकिस्तानियों का। तो यहाँ जो है वो सब इन्जॉय कर रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से, सब बिजी हैं अपना अपना खाना लेने में और खाना खाने में। और या आप इनकी जो है ना वो रूफ़ चेक करें कि कितनी अच्छी खूबसूरती से इन्होंने डिज़ाइन किए है, मतलब जो इनका इंटीरियर था वो काफ़ी अच्छा था, खूबसूरत था, और मुझे तो लोकेशन वाइज बहुत अच्छा, मतलब मैं तो यहाँ शूट वाइज सोच रही थी कि यार अगर यहाँ शूट किया जाए तो बहुत अच्छा होगा ना, बहुत प्यारा सा व्यू आएगा। और आप लोग अगर गए हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ जा चुके हैं और टेस्ट आपको कैसा लगा, और अगर आप कभी हवेली आए हैं तो आपको यहाँ का टेस्ट कैसा लगा। तो जो है वो ये लास्ट की वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी बाहर का एरिया, और जो है वो अल्लाह ताला सबकी खुशियों को इसी तरीके से कायम और दायम रहे। ख़ास तौर पे मेरे फ़ादर मदर मेरी फैमिली के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, क्योंकि देखें जब घर में बड़े होते हैं ना, बड़ों की रौनक की वजह से ही जो है ना वो सब कुछ रहमतें और बरकतें आपको मिल रही होती हैं। और वैसे भी मेरे फादर का जो रोल है ना हमारी फैमिली में वो बहुत स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह से, और मेरी दुआ है कि वो हमेशा जो है वो इसी तरीके से कायम और दायम रहे, और अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अता करे। आप सब भी उनके लिए आमीन ज़रूर कहिएगा माशाल्लाह से। मतलब एक सेल्फ पे जब बंदा अपने आप को बनाता है ना कुछ, तो वो असल चीज़ होती है, किसी के बलबूते पर कुछ करना इज़ नॉट अ बिग थिंग। तो यहाँ मेरा व्लॉग एंड होता है, होप यू लाइक दिस वीडियो, वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, और मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखना है। मैं आपसे नेक्स्ट टाइम मिलूँगी, अल्लाह हाफिज़।